विजय अब आ गया अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पे, तो हम लोग अभी आए हैं सेवा सदन विजय को लेके, और अभी यहीं पे इसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाऊंगा। अभी विजय को यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लग रहा है, जो भी डॉक्टर जो इंजेक्शन लिखे हैं वो सारा विजय को अभी लग रहा है यहाँ पे, और विजय अभी लेटा हुआ है। तो हॉस्पिटल में ही है विजय और इसका ट्रीटमेंट अभी शुरू हो गया है। माधुरीपुरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो सुबह से तो हम लोग काम में लगे हुए थे, तो अचानक रिया का फोन आ गया कि विजय का बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया। तो सुनकर हम लोग को तो बहुत खराब लगा कि अचानक सुन रहे हैं कि विजय का इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है। तो अचानक ही फोन आ गया कि विजय का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है। तो और यह भी काफ़ी परेशान थी, घर में तो वैसा कोई आदमी है भी नहीं उसका, तो वहीं पर उसका एक भाई गोतिया में रहता है। तो हम रिया को बोले कि थी उसको ले गाड़ी से ले करके तुम रांची आ जाओ और यहाँ पर अभिषेक जाके दिखा देगा। तो देखिए वो लोग अब चलेगा, तो यहाँ आएगा तो अभिषेक जाएगा और जा करके नंबर अभी लगा के पहले से रखेगा अभिषेक, ताकि उसको आने पर तुरंत डॉक्टर से उसको हम दिखवा दें। तो अभी देखिए कब तक वो पहुँचता है। तो जब तक अभिषेक को नाश्ता दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टर के तो चक्कर ही ऐसा होता है कि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और भूखे रहेगा तो फिर अभिषेक को भी तबीयत खराब हो जाएगा, और वहाँ तो टाइम डॉक्टर के यहाँ लगेगा ही। तभी अभिषेक को हम नाश्ता दे देते हैं, और जब तक विजय भी आ जाएगा तो विजय के आने पर फिर टाइम नहीं मिलेगा अभिषेक को, क्योंकि उसको साथ में रहना पड़ेगा, दिखाना खाना पड़ेगा सब। तो अभी अभिषेक के लिए नाश्ता कुछ हम दे देते हैं। तो अभिषेक डॉक्टर को पता करके आ गया है, लेकिन कहीं भी अभी कोई डॉक्टर बैठे नहीं है, क्योंकि आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को सब अपना छुट्टी लिए हुए रहते हैं, डॉक्टर साहब सब अपना घूमते फिरते रहते हैं, आज छुट्टी का दिन भी है। और आज 15 अगस्त है, नेशनल हॉलीडे भी है, तो आज सारे डॉक्टर्स वगैरह भी आज छुट्टी पे रहते हैं, तो जितने भी ओपीडी वगैरह सारे आज क्लोज है। जैसे अभी मैं सेंटर विटा भी गया, ऑर्किड भी गया, और भी हॉस्पिटल्स गया, लेकिन अभी कहीं भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे अभी। तो देखता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में, फिर अभी निकलूंगा, एक जगह और जाना है, वहाँ पे जाके पता करूंगा अभी। और फिर विजय भी अभी आधा घंटा लगेगा आने में, तब तक मैं पता कर लूंगा। फिर जब वो आ जाएगा तो उसको लेके फिर मैं वहाँ चलूंगा। फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर मिलेंगे ही, तो और डॉक्टर से विजय को दिखाना भी है। विजय के आने से पहले हम लोग को डॉक्टर को देख लेना है कि जहाँ कोई अच्छे डॉक्टर हो वहाँ हम उसको दिखला दें। और विजय का पिछला वीडियो में मैंने देखा, जैसा कि बहुत सारा जैसे गांव वगैरह में बहुत सारा अंधविश्वास वगैरह भी होता है, वो भी देखने को मिला मुझे। और वो देख क्या है, देखिए हम लोग तो उस पर बिलीव नहीं करते हैं, तो बिलीव तो नहीं होता है उस चीज़ पे, इसलिए मैं अभी विजय को समझाया, मम्मी भी समझाई कि ये सारा चीज कुछ ऐसा होता नहीं है। अब पता नहीं क्या है नहीं है, हम पूरा बता भी नहीं सकते, हम लोग भी क्लियर इस चीज पे, बट हम लोग तो इस पे विश्वास नहीं करते। और हम लोग जहाँ तक होगा विजय को समझाएंगे इस चीज के बारे में, कि वो भी इस सब चीज पे ना माने, तो और डॉक्टर से अच्छे से दिखवाए। हाँ, जब तबीयत खराब है तो अभी डॉक्टर से उसको दिखाएंगे ही अच्छे से भी हम लोग तो, और फिर जब दिखाओ खा लेगा तो फिर विजय अपना वापस घर जाएगा, या फिर डॉक्टर अगर बोलेंगे रुकने के लिए तो विजय फिर यही रुकेगा भी। तो देखते हैं, अब पहले तो हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वहाँ देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ पे क्या। उसको आने से पहले तुम पता कर लो डॉक्टर के। अब मैं भी निकलता हूँ फिर से बाहर, अभी एक जगह और हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे पता करता हूँ। फिर विजय आएगा तो विजय को वहाँ पे डॉक्टर से अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह करवाना। हम लोग नहीं सोचे थे कि विजय का इतना ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। हम लोग सोचे कि वायरल जो फीवर होता है वो होगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका तो हो गया है, कई दिन हो गया है और बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया है। तो हम लोग अभी देखिए विजय भी आ गया यहाँ पे सेवा सदन में लेके आए इसको, और यहाँ पे अभी हम लोग अंदर जाएंगे अभी, और विजय उसके मम्मी पापा सब कोई आ गए हैं यहाँ पे, और डॉक्टर यहाँ पे देख लिया। अब विजय को इंजेक्शन वगैरह जितना भी एंटीबायोटिक्स और फिर जो भी इंजेक्शंस डॉक्टर बोले वो सारा अभी लग रहा है विजय को, देखिए यहाँ पे, और सिस्टर दे रही है अभी, और इंजेक्शन काफ़ी बड़ा भी है, देखिए काफ़ी मोटा इंजेक्शन है जो लग रहा है विजय को भी। तो इंजेक्शन लगेगा, 5-6 इंजेक्शंस डॉक्टर लिखे हैं जो अभी देना है विजय को, तो वो सारा इंजेक्शन अभी दिया जा रहा है, सिस्टर अभी दे रहे हैं अच्छे से। और मैंने बोल दिया इनको कि धीरे धीरे से देने की, ज़्यादा मतलब इंजेक्शन देख ही रहा है आप लोग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख भी रहा है। तो
को। तो अभिषेक अब आ गया है, विजय को दिखा दिया है और अभिषेक अभी घर पर आ गया है, तो अभिषेक ही बताएगा कि विजय को क्या हुआ था, इतना जोर से तबियत उसका खराब हुआ। तो गाइज अभी मैं विजय को बस दिखा के आ ही रहा हूँ हॉस्पिटल से, अभी उसको लेके गया था और काफ़ी जगह दे जाने के बाद डॉक्टर हमें सेवा सदन में मिले और सेवा सदन में जाके अभी डॉक्टर से हम लोग दिखाए हैं अभी। तो मैं अभी 2-2.5 घंटे से वहीं पे था, 2.5-3 घंटे लगे वहाँ पे डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में, फिर ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ ये डायग्नोज होके पता चला कि उसको टाइफाइड है। तो टाइफाइड अभी आया है और डॉक्टर साहब ने वहाँ पर इंजेक्शन वगैरह लगाया, जितने भी इंजेक्शंस लगाने थे काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शंस वगैरह लगे, 5-6 इंजेक्शंस लगे विजय को वहाँ पे। तो थोड़ा इंजेक्शंस लगने के बाद थोड़ा रिलीफ तो मिला है, बट बिल्कुल ठीक तो अभी तो नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ठीक होने में। हाँ। तो आप लोग भी प्रे कीजिए कि जल्दी से जल्दी विजय ठीक हो जाए, क्योंकि जब हफ्ता हुआ चेहरा ब्लॉग बनाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और अभी अभी देख के विजय को काफ़ी बुरा भी लग रहा था, क्योंकि हेल्थ जब अच्छा नहीं होता है तो इंसान को कोई चीज़ करने में मज़ा भी नहीं आता, मन भी नहीं लगता है, और अभी थोड़ा प्रॉब्लम है विजय के साथ, टाइफाइड हुआ है। तो ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है उसका, और जितने भी यहाँ से इंजेक्शंस वगैरह भी यहाँ से सारा कुछ लेके फिर विजय अब निकल गया है, क्योंकि घर पे थोड़ा रहेगा, मम्मी पापा सब कोई रह गए, रिया रहेगी, रिया नहीं आ पाई थी आज, तो सबके बीच में रहेगा। तो जब फैमिली साथ में होता है तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी मिलता है और रिकवरी भी काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि फैमिली साथ में होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और फैमिली का इम्पॉर्टेंट क्या होता है ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो इसलिए विजय अब यहाँ से निकल गया है, अब घर पहुँचेगा वहाँ पे, और जितने भी ट्रीटमेंट जितने भी मेडिसिन वगैरह चाहिए थे सारा कुछ यहाँ से मैंने अरेंज करवा दिया, सब कुछ करवा के मैंने यहाँ से विजय फिर निकला है। और गाइज कुछ कुछ हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे जाने के साथ ही जूनियर डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे, और वो हॉस्पिटल सीधा बोलते कि आपको एडमिट ही करना पड़ेगा। तो आजकल हॉस्पिटल का भी बड़ा बुरा स्कैम चल रहा है कि वो हॉस्पिटल वाले सीधा बोलते हैं कि एडमिट ही कीजिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले प्रॉपर डायग्नोज कीजिए क्या प्रॉब्लम है, और हॉस्पिटलाइजेशन का अगर जब तक ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए हॉस्पिटल को हॉस्पिटलाइजेशन। तो यही आज फिर जब हम लोग दूसरे जगह सेवा सदन गए तो वहाँ पर डॉक्टर बोले कि हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत नहीं है, तो जो भी फर्दर ट्रीटमेंट चाहिए था वो वहाँ पर डॉक्टर ने दे दिया और फिर विजय यहाँ से चला गया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तो हम लोग तो प्रे भगवान से कर ही रहे हैं कि जल्दी विजय अच्छा हो जाए, और आप लोग भी भगवान से प्रे करिए कि जल्दी से विजय अच्छा हो जाए और हंसता हुआ फिर वो अपना चेहरा लेके आपको वीडियो आपके में दिखाएं। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। बाय बाय। क्या कर रही है मिशु? बाव एकदम पीछे से फेंकी जा मिशु, कैसे तुम फेंकी बॉल, जल्दी करो जल्दी दो मिशु, कैच करो बेटा।